आप डिवाइन बीइंग है, ठीक है, दिव्य शक्तियों का अंश है, और आप जहाँ जहाँ जाते हो ना, वो थ्री एंजल्स, मैंने हमेशा आपको कहा है, जो थ्री एंजल्स है वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिस वजह से ना आपने अपनी फैमिली में भी, ठीक है, आपने अपने आपकी एनर्जी की वजह से इतने ज़्यादा, मतलब डिवाइन एनर्जी में आप रहते हैं, इतना ज़्यादा डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप मतलब जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो डिवाइन एंजल्स को पसंद होते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, समझ लीजिए आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वो उस चीज़ से प्यार करने लगते हैं, मतलब आपकी फैमिली आपके वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, वो हमेशा सिक्योर हैं, ठीक है, सुरक्षित हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं, डिवाइन के मतलब बहुत ज़्यादा आप, मतलब डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आप दिव्य शक्तियों का, महालक्ष्मी, विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण के आप बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्रिय हैं, मादी शक्ति के आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उनके मतलब अंश हैं, जिस वजह से आपकी एनर्जी ऐसे में देख रही हूँ, आप जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ वहाँ मतलब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब जिस घर में भी आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, वहाँ की जो एनर्जी है वो लिफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, आपके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं जब आप उनके पास बैठते हो या आप उनसे बातें करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ना ये चीज़ें आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा महसूस किया होगा इस चीज़ को, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों ने ये बात आपको कही होगी कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा ना हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग मिलती है बहुत ज़्यादा आपसे बात करके, आप उन्हें कुछ ऐसा कहते भी नहीं है, ठीक है, आप उनसे मतलब ऐसे रैंडमली सीधे बात करते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मन को शांति मिली, सुकून मिली, क्यों मिली, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है नेचुरल हीलर हैं एक तो पहली बात, और इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, ठीक है, कहते हैं ना परमात्मा की दिव्य शक्तियों को, उनकी शक्तियों को आप इतने ज़्यादा कैरी करते हैं, जिस वजह से ना ये तो कहना पड़ेगा आप जहाँ जहाँ जाते हो ना वहाँ वहाँ आप बहुत ज़्यादा सकारात्मकता, ठीक है, पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा आप मतलब लिफ्ट करते हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है वहाँ की वाइब्रेशन, आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा लकी, आपको बहुत बार ये बोला गया होगा कि जब से ये इंसान या ये व्यक्ति या मेरा ये बच्चा जब से मतलब हमारे घर पे आया है, हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत ग्रो किया है, बहुत हमें सफलता मिली है, ठीक है, ऐसा आपको सुनने को मिला होगा या ऐसा आपको ज़रूर सुनने को मिला होगा, आप जिससे भी बातें करते हो ना उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, मन को शांति मिली, सुकून मिली, और ये चीज़ें हैं शायद आपको पता होगा नहीं होगा, आप जिस रूम में भी रहते हैं ना, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन बीइंग हैं आप, दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और बहुत ज़्यादा आपको मतलब डिवाइन बहुत ज़्यादा ना मतलब हर एक नेगेटिविटी से आपको नेगेटिविटी से हमेशा बचाया जाता है, हर एक, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग होते हैं, जो दिव्य शक्तियों का अंश होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए जाते हैं, साइकिक अटैक्स किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैक्स को मतलब वो उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी भी होगी, नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा साइकिक अटैक्स उनके ऊपर नहीं होते हैं, वो लोग ज़्यादा इतना हेल्थ इशू भी फेस नहीं करते, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ रहती है, चलती रहती है, ठीक है, लेकिन आपने बहुत बार ये चीज़ देखा होगा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान को बहुत ज़्यादा आप मतलब उनका नाम जाप लेते हो, बहुत ज़्यादा नाम जाप पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप झेलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना डिवाइन बीइंग हैं, जिस वजह से जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा, वो आप पर बहुत ज़्यादा अपना मतलब आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हावी होना चाहती है, जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिवाइन बीइंग पर बहुत ज़्यादा हावी होना चाहती है, अपनी नेगेटिविटी में उनको खींचना चाहती है, कैसे भी करके वो आपको मतलब उस दुनिया से बाहर निकाल कर अपनी दुनिया में लाना चाहती है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स झेलने होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी होगी जो आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि मैं ही क्यों,
ठीक है, मैं ही क्यों इतना ज़्यादा इतनी सारी चीज़ों को अब मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ें क्यों असर करती है इतनी ज़्यादा क्यों, क्योंकि आप डिवाइन बीन हैं, ठीक है, और उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं जिस वजह से आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, आप आने वाली चीज़ों के बारे में, होने वाली चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ें होने वाला है, मतलब भाप लेते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। ये नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होता है, ये वही इंसान के उन्हीं इंसान के अंदर होता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन बीइंग होते हैं, और जिनके अंदर ये पावर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो पावर्स हैं, ठीक है, वो पावर्स हैं जिस वजह से जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहती हैं, इवन चीज़ों में रहती हैं, वो आपको ना डिस्टर्ब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, ठीक है, आपको शक्तियों में, आपकी शक्तियों को वो चुराना चाहती हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस वजह से साइकिक अटैक्स किए जाते हैं आपको, मतलब हमेशा कन्फ्यूज़न में देखना चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है आप ये हैं, ठीक है, और वो आपको ऐसी स्थिति में देखना चाहते हैं जबकि आप ऐसी स्थिति में है ही नहीं, आप तो ये हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट अबंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों का ना क्राउन चक्र एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है 333, 111, 888, ठीक है, 555 और 33 तो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपको ये दिखे। तो बहुत सारे लोगों को ना ये रहता है कि हम इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, हम इतना अच्छा काम करते हैं, हम बहुत नाम जाप लेते हैं, हम इतने अच्छे से सब कुछ, मतलब भगवान का बहुत ज़्यादा हम नाम जाप करते हैं और हमारा कर्म भी बहुत अच्छा है, फिर हमारे ऊपर इतने ज़्यादा साइकिक अटैक्स क्यों किए जाते हैं, हम इतने ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी रहती है ना वो चाहती है कि आप उनके चंगुल में फंस जाए और आप फंसते नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो दिव्य शक्तियों हैं, जो डिवाइन हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको अपना आशीर्वाद बनाकर रखती हैं और उनकी जो मतलब मनोकामनाएं हैं, उनकी जो चीज़ें वो मतलब हो नहीं पाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, ठीक है, और जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ हेल्थ इशू फेस करने पड़ते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक है, वो परमानेंटली नहीं रहती है, ठीक है, वो बहुत जल्दी, आपने देखा होगा चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वहीं पर आपको उस प्रॉब्लम का जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनका रास्ता बन जाता है और आप वहां से बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही चुटकियों बजा के वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि डिवाइन जो हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपको ऐसी स्थिति में देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा मान लीजिए, ऐसे जो कमेंट्स आप लोग करते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण यही है, नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होना चाहती है, ठीक है, आप पर वो मतलब आपकी एनर्जी को उनको बर्दाश्त नहीं होती है, आपकी एनर्जी उन्हें ना बर्दाश्त नहीं होती है, आपकी एनर्जी को वो मतलब अपनी अपनी अंदर खींचना चाहते हैं, ठीक है, जिस वजह से, और वो चीज़ें करने में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं आपको उस दलदल में वापस से फंसाने के लिए, ठीक है, आपको नेगेटिव एनर्जी में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, तो और आप नहीं होते हैं, जिस वजह से आपको कभी कभी हेल्थ इशू या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आप देखोगे बहुत जल्दी आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाते हैं, आपको डिवाइन एंजल्स उस प्रॉब्लम में रहने नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप लोग लकी हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा या आपके पेरेंट्स ने आपको ये चीज़ कहा होगा कि बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन तक ये वीडियो गया है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन बीइंग हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और दिव्य शक्तियाँ आप पर बहुत ज़्यादा, माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा, माँ लक्ष्मी, विष्णु नारायण लक्ष्मी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती है, और आने वाले टाइम में ना मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो होने वाली है, ठीक है, हो सकता है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको ऐसे एनर्जी में देख कर ना लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब गुस्सा आता है लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें गुस्सा आता है आपको ऐसी एनर्जी में देख कर, वो चाहते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में क्यों हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं,
और आपको ऐसी एनर्जी से निकाल कर ऐसी एनर्जी में डालना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी में जो लड़ाई झगड़े हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इतने ज़्यादा काम नेचर में अच्छे से सारे काम को करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। आप पर ऊपर से सबसे बड़ी बात, आप पर किसी कोई भी उनके जो साइकिक अटैक्स है वो असर नहीं करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। आप उनकी कोई भी चीज़ें आप पर वर्क क्यों नहीं कर पाती है। आप बस थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आपको हेल्थ इशू हो या कुछ प्रॉब्लम हो, उस बाद में आप बहुत ही अच्छे से वहाँ से निकल भी जाते हैं, जिस वजह से ना उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और आपका जो आने वाला टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा होगा आपका आने वाला टाइम। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई अगर प्रॉब्लम भी थी आपकी लाइफ में, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं आ रही लाइफ में, नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मैं ऐसे यहाँ पर देख रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम आपका बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे ख़त्म होते देख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही थी वो बहुत जल्दी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। डेथ का कार्ड आया तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नेगेटिव कार्ड है, डेथ का कार्ड मतलब वो उस नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, ठीक है, इस नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से अंत हो रहा है। जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी ना, जो क्रिएट की गई थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुख थे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फील हो रहा था, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, चिल्लाओ, चीखो, लड़ाई करो, ठीक है, मतलब अपशब्द बोलो, ओके, और आपको नींद ना आए बिल्कुल भी, ठीक है, आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़े अपनी लाइफ में। और आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपका ग्रोथ है, ठीक है, उस ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, ठीक है, आपकी लाइफ में जिसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश होती है और आपके सक्सेस को रोकने की, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपने अचीव करी हैं, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप तो बहुत अच्छा अपने लाइफ में ऐसे कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं और आने वाला टाइम है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें पसंद नहीं है किसी को, ठीक है, जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास में, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं, वो चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस करना पड़े। और आपकी लाइफ में जो आपने चीज़ें अचीव करी हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ से मतलब वो उन चीज़ों को छीनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अटैक्स करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, रिचुअल करते हैं, लेकिन वो चीज़ आप पर असर नहीं करती है, टेम्परेरी, बस थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली तो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ें तो आप मतलब कहीं पर कहते हैं ना कोई कपड़ा बांध को, लिख लो उस चीज़ को, ये चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन एंजल्स कभी होने नहीं देंगे, लेकिन वो आपको ऐसी स्थिति में देखकर बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा जेलस होती है, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो, आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़े, लेकिन जितना ये लोग चाहते हैं ना चीज़ों को ख़राब करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स करना, आप उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है, सक्सेस और इन्फिनाइट बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उतना चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ये प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो उन चीज़ों के बदले उल्टा होता है, आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो, आप और ज़्यादा अपने जुपिटर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर तो वो शक्ति है कि आप शेर को भी, ठीक है, शेर को भी अपने वश में कर ले, ऐसी शक्ति है आपके अंदर, जिस शक्ति को देख कर ना वो लोग बहुत ज़्यादा बातें भी बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या है, इतना ज़्यादा रोकने के बाद भी ये इंसान और ज़्यादा अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती, तो इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखकर कुछ लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में भी, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना आपको
वॉच करते हैं सीक्रेटली, ठीक है, आपको देखते रहते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके देखते रहते हैं आपके बारे में सारी बातें और सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ये लोग लेते रहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा जेलस होती है, ठीक है। और ये कुछ कोशिश भी करते हैं, कोई रिचुअल भी करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप पर काम नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी होती है आपसे। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मैं इनसिक्योरिटी देख रही हूँ जिसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही होगी उन्हें, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है आपसे कि इंसान इतना ज़्यादा क्यों, वाई क्यों। तो ये चीज़ें है आपकी लाइफ में, ठीक है, मैंने आपको जो भी बताया है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा ना अपने जो जिन पर भी उनका विश्वास है, ठीक है, जिनको भी वो मानते हैं, जिनका वो नाम जाप करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी ना हावी, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग नीचे लेटे हुए हैं जिनको उनका कर्मा मिला है, ठीक है, और एक इंसान कैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मतलब उसने अपने सर पर ताज भी पहना हुआ, ये आप है, ठीक है, ये आप है, मतलब जब डिवाइन अपने, जब माँ आदिशक्ति, जब माँ लक्ष्मी, ठीक है, जब ईश्वर अपने वास्तविक रूप में आते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब उनको उनका कर्मा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो हमेशा बचे रहते हैं, उनमें से वो आप हैं, ठीक है, थीके? आप हमेशा हर एक नेगेटिविटी से बच जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, जो ईश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उनका एक सुरक्षा कवच हमेशा ही आपके साथ रहता है, वो सुरक्षा कवच आपसे कभी दूर होता ही नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए वैसे जजमेंट टाइम आ रहा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका जजमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही एक साथ आया मेरी रीडिंग में, ये जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ ये दोनों एक साथ ही आता है, जस्टिस और जजमेंट उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने देखा भी होगा, एक्चुअली मैंने ये चीज़ देखी है, आपने अगर कोई चीज़ दिल से मांगी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपका कोई दिल दुखाता है ना, वो इंसान खुश नहीं रहता अपनी लाइफ में, और ये चीज़ आपको डिवाइन जो आपके परमेश्वर हैं वो चीज़ अपने आँखों से उस चीज़ को दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, आँखों से आप उन चीज़ों को देखते हो जो इंसान आपके लिए सही नहीं करता है, गलत चीज़ें करता है, गलत चीज़ें सोचता है, बददुआएं देता है, वो सारी चीज़ें उसकी तरफ जाती है, बैकफायर होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ चीज़ें आप फेस भी करते हो तो वो बस थोड़ी देर के लिए है, ठीक है, उसका ज़्यादा असर आपके ऊपर हो ही नहीं सकता है, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ना, देखो आप जब नाम जाप करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर का नाम जाप लेते हो, उनका नाम लेते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा ना घुटन होती है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ईवल प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान करती है, उनके कानों में वो चीज़ गूंजती है, इस वजह से वो चाहती हैं कि आप क्यों ऐसे डिवाइन बीइंग हैं, आप क्यों उनका नाम लेते हैं, परमेश्वर का क्यों नाम लेते हैं, तो वो अपनी तरफ खींचने के लिए आपके ऊपर कुछ रिचुअल, कुछ अटैक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ प्रॉब्लम, कुछ आपको हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें परमानेंटली नहीं है, टेम्प्रेरी है, ओके। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत लक्के हैं, आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं, डिवाइन शक्ति आपके साथ रहती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें आपका कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि ये सारी इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, फिर भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, आपसे इनसिक्योर रहती है, आपको अपनी तरफ करने की लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और आप इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होते हो, इसलिए आपसे जलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिचुअल करते हैं, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, आपको लेकर इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब करना चाहती है, और उतना ही आप ज़्यादा ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, बहुत ज़्यादा। आपने मुझे यहाँ पर लिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव भी किया है, ठीक है, अपने फैमिली को, अपनी लाइफ में जितने भी आसपास के लोग हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कुछ लोगों को आपको ऐसी एनर्जी में देख कर, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको
आपके जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी रिस्पेक्ट वाली पोजीशन है, वहाँ से आपको हटाने की, ठीक है। लेकिन आप और ज़्यादा ग्रो करो, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा शाइन करते हो, और इसी वजह से ना लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उनको आउटशाइन कर देते हो, ठीक है, सामने वाले इंसान को आउटप्ले कर देते हो। तो वो इस चीज़ से, इस इनसिक्योरिटी से वो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हो, वो भी वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। बस मतलब आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है और आप बहुत अच्छे से, और मतलब स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा पावर को और अपने अंदर गेन करते हैं इस वजह से, और आप हमेशा ना उनको देते हो, ठीक है। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वो बता देते हैं, वो भी प्रूव करवा देते हैं कि कितने भी कोशिश कर लो, आप जो मेरे बच्चे हैं, जो डिवाइन बीन हैं, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ हेल्थ इशू होती है, कुछ चीज़ें ख़राब होती है, तो वो बहुत अच्छे के लिए ही होती है। आप और ज़्यादा अपने पावर्स में ही आते हो और अपने अंदर शक्तियों को गेन करते हो, जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा। यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोगों की तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो आने वाले टाइम में चीज़ों के बारे में मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब पता चल जाता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे वो लोग, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि डांस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं और अचानक से ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपके सोल को कहीं ना कहीं पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिस वजह से आप भी ना अभी फालतू में ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शाइन भी मिलते हैं, आपको पहले से मतलब बटरफ्लाई दिखने लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखने लग जाएंगी, एंजल्स नंबर आपको दिखेंगे, फैदर्स आपको दिखने लग जाते हैं, ठीक है, आउल्स जो भी, तो वो चीज़ आपको पहले से दिखने लग जाते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको साइन मिलते हैं और आपको पहले ही पता चल जाता है, आपके सोल को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली होती है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, तो वो भी आपको साइन मिलता है, ठीक है। आप उस दिन देखोगे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप उस दिन बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि आपके सोल को पता है, ठीक है, आपके सोल को पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आप उस दिन मतलब सब कुछ सही रहेगा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कहीं भी मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है अकेले में बैठूँ, आपको ऐसा लगा कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी लाइफ में अभी सब ठीक है, फैमिली में भी सब ठीक देखा, कि मैं ऐसा लग रहा है मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोऊं, तो ये भी एक इंडिकेशन है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। डिवाइन बीइंग का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो इस धरती पर जो आते हैं ना, वो अपना कोई ऐसा सोल मिशन होता है जिसे वो पूरा करने के लिए आते हैं, ठीक है। अर्थ एंजल्स से हम कहते हैं, कोई ऐसा सोल, कुछ ऐसी चीज़ें, सोल मिशन जिसे वो पूरा करने के लिए आते हैं, जिसके वजह से उन्हें पहले से ही बहुत सारी शक्तियों मिली रहती है। लेकिन देखो, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से मिली रहती है, लेकिन आप उनके बारे में ना अवेयर नहीं रहते, आपको पता नहीं रहता कि आपके अंदर ये शक्ति है, ठीक है, आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पाथ पर आगे आगे बढ़ते जाओगे, आपको चीज़ें पता चलेगी, आपको जैसे जैसे सारी चीज़ें का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आपको सारी बातें पता चल जाती है, ठीक है, कि आप इस धारा पर कुछ बड़ा करने आए हैं, आपका कोई सोल मिशन है और वो बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई हैं, देख लेते हैं डिवाइन एंजल से, देख लेते हैं जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा ही मैसेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कौन सा मैसेज है? डिवाइन प्रोटेक्शन। वाओ, मैसेज भी आ गया। बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा, हर वक्त डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसे लोगों से करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव करते हैं, इनको आपकी लाइफ में रहने का ना बिल्कुल भी चांस नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इनको आपकी लाइफ से गेट लॉस्ट कर देते हैं, गेट आउट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रहने का बिल्कुल भी, डिवाइन ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में बिल्कुल भी रहने नहीं देते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सोचते हैं।
यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा, अपने इंटेलिजेंट यूज़ किया करो थोड़ा। डिवाइन बीन हैं आप। मनी ऑन इट्स वे टू यू, मनी ऑन इट्स वे टू यू, ठीक है। धन वर्षा माँ लक्ष्मी, विष्णु नारायण माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। धन के नए नए स्त्रोत्र आपके लिए बन रहे हैं, खुल रहे हैं, माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। थैंक यू जरूर से करें, ठीक है, इस दिव्य संदेश को, माँ लक्ष्मी को, ओके, आदिशक्ति को। यू मैच द ईगो, आपने किसी के ईगो को ना चकना चूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उनको मतलब दिखा दिया है कि आप भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। किसी के ईगो को आपने बहुत ज़्यादा मैश्ड कर दिया, ओके। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जिस वजह से भी कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा आपसे इनसिक्योर रहते हैं, मतलब चलते हैं। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेन, अच्छा अब समझ गई मैं, आपने किसी के ईगो को मतलब हर्ट किया है, ठीक है, उनके मतलब वो नहीं चाहते थे शायद, वो उन्होंने ये चीज़ मतलब कभी सोची भी नहीं होगी कि आप ऐसा भी कभी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा किया। आपने मतलब ऐसे लोगों को उनकी सही जगह दिखाई, कुछ लोगों को आपने उनकी सही जगह दिखाई है, तो वो बहुत ज़्यादा ईगो में थे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा, और आपने उनको उनकी सही जगह दिखा दी, जिस वजह से जो हेटर्स हैं, ये कोई हेटर्स एनिमीज हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट आपके, ठीक है। आपने उनके ईगो को मतलब चूर चूर किया है, तो वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। देखा, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज, उनके ईगो को चूर चूर किया, ठीक है, और वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वाओ, बहुत अच्छा लगा। इनफिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, इनफिनाइट अबंडेंस, वाओ वाओ। फैमिली, कुछ फैमिली से आया है, ठीक है, फैमिली में आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा इनफिनाइट अबंडेंस, ठीक है, फैमिली आपको बहुत ज़्यादा और आपको लेकर प्राउड फील करे, ठीक है, या फैमिली से कुछ और भी हो सकता है। शॉर्ट लेडी, लास्ट मैसेज आया है शॉर्ट लेडी, ठीक है, शॉर्ट लेडी का मैसेज आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।